जब कुमारी सैलजा की यात्रा शुरू होनी थी जी, तो उससे पहले बताते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, खासकर हुड्डा साहब के गुट वाले लोग, वो कांग्रेस आला कमान के पास, दीपक बावरिया के पास गए और उनसे कहा, देखो जी, सैलजा यात्रा निकाल रही है जी, और उस पर ये तो गुटबाजी हो जाएगी, उस पर हुड्डा साहब का, उदय भांजी का फोटो कहीं नहीं है। उसके बाद वो फोटो लगाया गया। मतलब अगर सैलजा जी करती हैं तो अब कल भी यही हुआ। सैलजा जी कहती हैं कि अगर टिकट वितरण सही होता तो ज़्यादा चुनाव जीत जाते लोग जी। अब विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि सैलजा जी को कितनी तवज्जो मिलेगी, टिकट वितरण कैसे होगा, या दोनों जो खासकर गुट हैं, मैं तो गुट ही कहूँगा दोबारा से भाई, कांग्रेस कभी भी पूरे सेब की टोकरी एक उसमें नहीं डालती, एक बाल्टी में, पूरे सेब एक बाल्टी में, एक टोकरी में डालते, एक उसमें नहीं डालते। 2005 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ज़्यादा टिकटें जो वितरण में चौधरी भजन लाल जी को तवज्जो ज़्यादा मिली, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया हुड्डा साहब को। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को तय करने में लगे हैं, प्रत्याशी चयन करने में लगे हैं, और प्रत्याशी चयन करने के लिए सर्वे, राय शुमारी, लोगों से बातचीत, पार्टियों के कैंडिडेट्स के आवेदन, ये सब कुछ चल रहा है। चाहे वो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी, दोनों मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं और दोनों के बीच अच्छी कड़ी चुनावी टक्कर है। खासकर कांग्रेस के अंदर अपने नेताओं को, अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की बात बहुत बड़ी रहती है। पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उनके दो सर्वे हुए हैं, एक सर्वे और होगा, उसके बाद टिकट तय होंगे। लेकिन कल कुमारी सैलजा ने नारनौंद के अंदर अपनी एक सभा के दौरान नारनौंद के अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया और बोल दिया कि डॉक्टर अजय चौधरी हमारे कैंडिडेट हैं। इसी बात को लेकर आज मैं चर्चा में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। नमस्कार। राजनीतिक विश्लेषक हैं और पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त उप निदेशक रहे हैं। सुरजेवाला जी, कुमारी सैलजा ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया पहला जी, मैं अगर कहूँ तो ऑथेंटिक घोषणा पहली हुई कांग्रेस की तरफ से जी, कितना ठीक मानते हैं इसको, क्योंकि एक तरफ तो सर्वे की बात चल रही है जी, आवेदन हो रहे हैं, 2500 लोगों ने आवेदन किए हैं और कल परसों इसकी लास्ट डेट थी, हाँ, और उधर उन्होंने अपना कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया। देखिए, ऐसा है कि अनाउंस नहीं किया ना सैलजा जी ने, कोई इस तरीके से कहा कि मैं पार्टी की तरफ से इनको घोषित करती हूँ, इशारा जरूर था उनका। उन्होंने कहा कि भाई अच्छे आपके उम्मीदवार होंगे, पीछे भी बहुत थोड़े वोटों से वो रह गए थे और चुनाव में आते हैं, इशारा उनका ज़रूर है इस बात की तरफ कि आप इनकी मदद करिएगा, इनको कामयाब बनाइएगा, ये आपके हलके में काम देंगे। ये तीन बातें कही उन्होंने जी। उन्होंने एक तो ये बोला कि 2005 वाली गलती मत दोहरा देना, हाँ बिल्कुल कहा, एक बात इशारा उनका बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर डॉक्टर अजय मजबूत होंगे तो मैं मजबूत होंगी जी, ये भी ठीक। तीसरा उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अजय के साथ आप सभी लग जाएं और इनको मजबूत करें जी। आप कह रहे हो कि घोषणा नहीं की थी, और घोषणा कैसे होती नहीं है? घोषणा तो एक जैसे होता है ना, औपचारिक तौर पर पार्टी करती है। सिंबल तो साइन तभी होंगे जब नहीं, टाइम आ जाएगा। के अलावा घोषणा भी वो नहीं कह सकते। देखिए, यूं तो हमेशा ही अपने जो उम्मीदवार जो आने वाला होता है पार्टी का, जो चुनाव जिनको लड़ने या लड़वाने की जिनको पार्टी के अंदर नेता लोग समझते हैं, वो उनको मजबूत करने के लिए जनता के अंदर ये हमेशा संदेश देते रहे। ये तो बहुत बार ऐसा होता है, देखा होगा मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो वो भी घोषणा करते हैं, या पार्टी कई बार, अब आप देखिए हिसार में वो जब आए थे आपके अमित शाह जी, उन्होंने कहा हमारा अगला जो चुनाव होगा वो नायब सैनी की उसमें होगा, वो क्या उन्होंने घोषणा कर दिया, घोषित कर दिया ना, कह दिया नहीं, उन्होंने कर दिया कि पार्टी का तो नहीं है, उन्होंने कह दिया। आज मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कहीं के अगला चुनाव जो नहीं, आज मैं ये देख रहा था कहीं किसी ने लिखा है कि नायब सैनी जो है ना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के अंदर चेहरा नहीं होंगे। अब ये तो बदलता रहता है, पर हर आदमी अपने उम्मीदवार को मजबूती प्रदान, अपने समर्थक को उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये एक हमेशा से रहा है। ये तो बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली कि टिकट की, और यहाँ तक भी है कि अब चुनाव के अंदर तो ये होगा कि इनको आप जिता दीजिएगा, इनको मैं मंत्री बना दूंगा,
वो टिकट मिलने के बाद होगा ना, टिकट मिलने के बाद, टिकट मिलने के बाद तो है ना, वो भी तो बहुत आगे की बात है। पहली बात तो है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो ही तो बनाओगे, फिर मंत्री, दूसरा ये जीतेंगे तो ही बनाओगे, लेकिन उसको मजबूती प्रदान करने के लिए कहा जाता है, ये कहा जाता है। और देखिए अजय, डॉक्टर अजय जो है नारनौंद में, वो एक मजबूत अच्छा वजन है। हाँ बहुत बिल्कुल, 2005 का मुझे भी ध्यान है कि वो बहुत थोड़ी वोटों से, लगभग 2500-3000 वोटों से हार गए थे। इनको विरासत में राजनीति मिली, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे जो हैं, वीरेंद्र सिंह का उस हल्के में बड़ा प्रभाव रहा है जी। तो और जहाँ तक है, ये भी एक सुलझे हुए पढ़े लिखे, और डॉक्टर अजय एक स्पष्ट, मैं कहूँगा बिल्कुल एक स्पष्ट और एक साफ सुथरी छवि का जो है नेता है, और हल्के इलाके में इनकी बहुत अच्छी कदर है। बाकी हार जीत तो लोगों ने चुनना है जी। वैसे जब कल ये बात चली तो मैं एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि कुमारी सैलजा की घोषणा के बाद में जो कांग्रेस के और लोग हैं उन्होंने दौड़ शुरू कर दी जी। मेरा अगला सवाल जो है सुरजेवाला जी, मेरी जिज्ञासा भी और सवाल भी है जी। इससे कुछ दिन पहले भी पलवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करण सिंह दलाल की शान में कसीदे पढ़ते हुए खूब कहा भाई जब करण सिंह दलाल हैं तो हम तीनों सीटें जीत जाएंगे, और करण सिंह दलाल बहुत मजबूत तो हैं। यही और था, इसी कड़ी में उन्होंने भी यही तो इशारा किया है। तो वो भी यही चीज है जो वहां हुआ है, वो यहाँ आपके पलवल में भी हुआ। बात वही आ जाती है, अगर कुमारी सैलजा घोषणा करें तो अखबार की सुर्खियां बन जाए, वो वेबसाइट्स पे चल पड़े कि जो हुड्डा समर्थक लोग पार्टी आला कमान से जी रोकिए इनको जी, ये तो गड़बड़ हो गई। कुमारी सैलजा की यात्रा निकल रही थी जब, बस यात्रा जी, अभी जो हाल ही में चल रही है उनकी जो कांग्रेस संदेश यात्रा जी, वो कोई ये तो है नहीं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसी बातें बात चली रही है, लेकिन जो बातें चलती हैं, छपती हैं, सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, उनके पीछे कुछ होता है। हाँ बिल्कुल। जब कुमारी सैलजा की यात्रा शुरू होनी थी जी, तो उससे पहले बताते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, खासकर हुड्डा साहब के गुट वाले लोग, वो कांग्रेस आला कमान के पास दीपक बावरिया के पास गए और उनसे कहा देखो जी सैलजा यात्रा निकाल रही है और उस पर ये तो गुटबाजी हो जाएगी, उस पर हुड्डा साहब का, उदय भांजी का फोटो कहीं नहीं है। उसके बाद वो फोटो लगाया गया, मतलब अगर सैलजा जी करती हैं तो। अब कल भी यही हुआ कि जब वो घोषणा हुई तो मैं कई वेबसाइट्स पे मैंने पढ़ा कि वहाँ के जो लोकल कांग्रेसी हैं उन्होंने तुरंत कहा जी देखो ये तो कुमारी सैलजा ने घोषणा कर दी और इससे ही हो जाएगा, जबकि वो यहाँ घोषणा कर गए पलवल में तो कुछ नहीं। ऐसा है, देखिए आपने पीछे विधान लोकसभा का चुनाव फरीदाबाद का देखा, विरोधी पक्ष ने बार बार चौधरी महेंद्र प्रताप के बारे में ये प्रचार किया कि ये तो टिकट के अनाउंस कर रहे हैं, इन्होंने तो सभी हलकों में टिकट जो है ना बांट दिए हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने। चूँकि उस वक्त जो उनके साथ काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के जो भी थे, आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में देखें तो जिसने अच्छा काम किया है वो उनके साथ चल रहे थे, तो विरोधी पक्ष ने ये कहा कि जो महेंद्र प्रताप ने तो इनका टिकट घोषित कर दिया है, लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि दूसरे पक्ष ने कहा कि बावरिया साहब को भी के भी इससे तो पार्टी के अंदर वो हो जाएगा, गुटबाजी होती है, फ्रैक्शन। मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात बताता हूँ, अंदर की बात कह लीजिए, पार्टी के अंदर इस वक्त ये सोच है जो बीजेपी ने एक जाति और धर्म की जो राजनीति अपनाई हुई है और उस पर अपना सारा ही एजेंडा उसी के ऊपर आधारित है, तो कांग्रेस पार्टी भी इस बारे में सोचती है, तो वो भी देखती है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा निसंदेह ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और लोग उनको खासकर जाट कम्युनिटी में लोग कहते हैं, तो किसान वर्ग मैं तो कहूँगा जी जी, उसका कुछ भी नाम दीजिएगा, वो उनके समर्थन में है, तो दलित समाज को भी जोड़ने के लिए वो कुमारी सैलजा को भी आगे रखा हुआ है, तो हाईकमान के लिए ये दोनों चीज़ें एक बहुत अच्छा संदेश जाए, इसलिए हाईकमान को कोई इतराज नहीं है इस बात का, मतलब चलते रहे दोनों पैरेलल, अगर चलेंगे तो मजबूती मिलेगी। वो भी पार्टी का काम कर रहे हैं, वो भी पार्टी के लिए काम करेंगे, अल्टीमेटली जो पार्टी जिसका फैसला करेगी वो सीएम बन जाएगा, वो सीएम हमेशा होता रहा, जिसको विधायक चाहेंगे, जिसको पार्टी आला कमान चाहेगा, वो हर चीज है, हर एंगल को देखेगी पार्टी और हाईकमान और उस वक्त फैसला कर लेगी। ये तो सब चलता रहता है हमेशा ही, क्या बीजेपी में नहीं चल रहा जी, हर जगह होता है। ये तो हमेशा जैसे होता रहा है कांग्रेस में, तो खासकर सुरजेवाला जी आप कांग्रेस की एक और चीज़ भी, लोग ये एक बड़ा एग्जांपल देते थे कि कांग्रेस
नेवर पुट ऑल द एप्पल इन ए सिंगल बास्केट। कांग्रेस कभी भी पूरे सेब की टोकरी एक उसमें नहीं डालती, एक बाल्टी में पूरे सेब एक बाल्टी में एक टोकरी में डालते, एक उसमें नहीं डालते। ये मतलब सभी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना, सभी को आगे बढ़ाना, सभी को। इसको मैं और लोकल कहावत से जोड़ लूं जी, जब पुराने लोग चलते थे जी और उनके पास जो पैसे होते थे वो चार खोसे में डालते थे, चार जेब में, ताकि एक जेब कटे कट जाए या गिर जाए तो बचा रहे। मतलब यही है कि अगर जो बांट के रखो वही कोई अगर एक आगे पीछे नहीं शब्द ये इसको है कि सेब बांट के रखो, ताकत बांट के रखो, पावर जो है सबको दो, पावर बांट के तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। बांटना तो ये है जात बिरादरी पे लोगों को। मैं जात बिरादरी की नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपके एप्पल वाली बात ली कि भाई पावर, एप्पल का मतलब पावर, ताकत जी आपके हाथ में। सब शेयर करें उसको, उसको शेयर करें, पावर शेयरिंग। हाँ, पावर शेयरिंग वही बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ उसको बांटना नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि ताकत को बांट के रखें, पावर को बांट के रखें, पावर शेयरिंग, दैट इज द वर्ड। कि अगर एक की बजाय चार चेहरे होंगे जी तो वो चार हाथ कमाने वाले होंगे, तो चार हाथ कमा के आएंगे। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं इसको कि अगर चार हाथ हैं तो चार हाथ कमा के। पहले क्या पहले नहीं रहा है? 2005 में नहीं था क्या भजनलाल और हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा जी, वो क्या एक ही खेमे में थे? क्या वो दोनों एक ही साथ थे जी, या उससे पहले? उससे पहले आप देख लीजिएगा बंसीलाल जी, बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, वो क्या एक थे? उससे पहले कभी किसी जमाने में भगवत दयाल जी और देवीलाल जी का धड़ा क्या एक ही था? जब से हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में, जब सबसे पहले कांग्रेस प्रधान का चुनाव हुआ पंडित भगवत दयाल और हमारे प्रोफेसर शेर सिंह के बीच। सुरजेवाला जी, नॉट इवन कांग्रेस, आप क्षेत्रीय पार्टी में, तो हमेशा कहता हूँ कि एक घर के अंदर अगर चार बेटे हैं तो उनमें भी एक तरह से एक खेमा होता है कि भाई एक बड़ा छोटे के साथ हो जाएगा, छोटा और बड़े के बीच वाले के साथ हो जाएगा, बिल्कुल दो दो भाई हो जाएंगे, बिल्कुल गेम खेलेंगे। तो ये पर इसको कांग्रेस की जो चली है ना इंटरनल पॉलिटिक्स, इसको आप मीडिया की देन कह लो, आप जो दूसरी पार्टी उनका कह लो, विपक्ष का ज्यादा है, जो दूसरी पार्टियां हैं जो आज बीजेपी लोकदल, विपक्ष नहीं बल्कि आप सत्ता पक्ष कह सकते हैं कि भाई लोगों के अंदर ये मैसेज दिया जाए कि इनमें बहुत ज्यादा गुटबाजी है, तो अपने आप को हरा देंगे, ये कर लेंगे। मैं कहता हूँ जब चुनाव आएंगे सब अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे और जनता जो चाहेगी वही होगा। मैं वही कह रहा था सुरजेवाला जी, आप पुराने राजनीति के जानकार भी हैं और मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स आपके कुछ हद तक, काफी हद तक आपको पता होती है जी, जो चल रहा है आजकल सब कुछ ये जी। अब आने वाले 15-20 दिन में ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे आचार संहिता अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में लग जाए, शायद चुनाव की घोषणा हो जाए सितंबर में, उम्मीद है सितंबर में तो होनी होनी है, बिल्कुल जी, पहला हफ्ता या दूसरे हफ्ते में तो हो जानी है। क्या लगता है कि जो चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस के अंडर टिकट वितरण की बात शुरू होगी या पहले हो सकती है? टिकट तो बाद में आएंगे जी, टिकट तो आचार संहिता के बाद ही होंगे। हाँ। लगभग वो अलग बात है कि लोगों ने एक तैयार किया हुआ है, मन में सोच बनाई हुई है और पार्टी के अंदर भी है, लेकिन अनाउंसमेंट तो अभी बाद में होंगे टिकट्स की। लोकसभा चुनाव जब शुरू हुआ जी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकटें बटी जी, तब भी आपस में बहुत खींचतान हुई जी, टिकट वितरण हो गया तब भी खींचतान रही जी, चुनाव हो गया तब भी खींचतान रही जी, रिजल्ट आ गया फिर भी खींचतान रही जी। शैलजा जी कहती हैं कि अगर टिकट वितरण सही होता तो ज्यादा चुनाव जीत जाते लोग जी। अब विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि शैलजा जी को कितनी तवज्जो मिलेगी, टिकट वितरण कैसे होगा, या दोनों जो खासकर गुट है, मैं तो गुट कहूंगा दोबारा से भाई, या किसकी बास्केट में एप्पल ज्यादा जाएंगे जी, ये कह लें, क्या लगता है आपको? पार्टी हाईकमान बहुत सी चीज़ों को देखती है उस वक्त, जब टिकट का वितरण होता है या फाइनल होता है तो पार्टी बहुत आखिर तक बहुत से एंगल को देखती है। सबसे पहला तो विनिंग प्रोस्पेक्टस जी, दूसरा नेता का क्या उसकी इमेज है, क्या उसका जिसको कैंडिडेट बना रहे हैं हाँ, क्या उसकी देन है, वो ये कई चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। और फिर दूसरा ये भी है कुछ हद तक कि भी जिसको आगे लेके चलना है, पार्टी मन बना लेती है कई बार कि भाई इनकी जैसा कि इनको लीडरशिप सौंपनी है आगे के लिए फ्यूचर में, मतलब सीएमशिप देनी है, हाँ उनको तवज्जो तो दी जाती है जी जी, हमेशा दी जाती है। 1967 देख लो, पहला चुनाव हुआ हरियाणा में, उस वक्त पंडित भगवत दयाल को जो है ना काफ़ी उनके उनकी से चली और उनके कहने से टिकटें मिली,
पार्टी लीडरशिप को कायम कामयाब करने के लिए उसको तवज्जो तो दी जाती है, वो तो दी जाएगी हमेशा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे जो विनिंग प्रोस्पेक्टस है या दूसरे मालिया उनकी प्राथमिकता नहीं है नेता की तो उसकी टिकट काट दी जाए। हो सकता है कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही बात आ गई कि सेब एक ही टोकरी में गिरेंगे, दूसरी में भी जाएंगे। तो अच्छा जिसकी इमेज है और प्रोस्पेक्टस अच्छा है उसकी तो टिकट मिलनी है। अभी आपने कहा कि पहले वाला जो, और ये कहा कि जिसको ताकत दिन नेता बनाना हो जी, 2005 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ज़्यादा टिकटें जो वितरण में चौधरी भजन लाल जी को तवज्जो ज़्यादा मिली, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया हुड्डा साहब को जी। उसका कारण ये रहा कि दो तीन चीज़ें थी। एक तो भजन लाल जी का जो था उस वक्त वो बिल्कुल ये कहते हैं ना पीक पे जाकर, और वो आ गया था उनकी एज फैक्टर, उनकी सेहत, और दूसरा उनकी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग भी थी हाईकमान के प्रति। 91 में जब सरकार केंद्र में थी उस वक्त भी कुछ धड़ेबंदी और गुटबाजी आई, और सबसे बड़ा ये रहा था कि उस वक्त 7 MP मेंबर पार्लियामेंट जो कांग्रेस के थे सब ने एकजुट भजन लाल जी को अपोज किया। विधायक जरूर उनके खेमे में ज़्यादा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, विधायक उनके साथ थे, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट जो थे उनका कड़ा विरोध और हाईकमान की जो सोच थी, मुझे बिल्कुल वही किस्सा बार बार याद आता है 1968 का और आपका ये 2005, बहुत ही सिमिलैरिटी। 1968 में चौधरी रणबीर सिंह जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उनकी पहली चॉइस थी, और उनको लगभग तय था कि वो मुख्यमंत्री होंगे रणबीर सिंह जी, चौधरी रणबीर सिंह, उनका बड़ा मान सम्मान था, नेहरू परिवार के बहुत नज़दीक थे, और लेकिन उस वक़्त भी टिकट जो मिले थे और जो MLA थे विधायक थे वो पंडित भगवत दयाल के साथ थे जी। लेकिन यहाँ अंदरूनी बात है तो इंदिरा जी, वही खेमे की बात आ गई, वो मोरारजी धड़े के आदमी थे पंडित भगवत दयाल, तो इंदिरा जी उनको ज़्यादा लाइक नहीं करती थी और उनकी वजारत टूट भी चुकी थी उनके ऊपर जो 1967 में जो हुआ था एपिसोड जी जी, जो उनको जाना पड़ा था, तो उनको टिकट भी नहीं दिया गया था, इसी वजह से वो विधायक नहीं थे। चरणबीर सिंह का फाइनल था जी, लेकिन ऐन मौके के ऊपर जो देवीलाल पंडित भगवत दयाल इन्होंने एक अपना ग्रुप मोर्चा बना लिया, मोर्चा बनाया और उसमें जोड़ा गुलजारी लाल नंदा जी को जी और LN मिश्रा जी को जी, उनकी मदद लेके कमेटी बनाई गई नंदा जी के उसमें, और उसमें ये देखा गया कि विधायक जो थे वो पंडित भगवत दयाल के साथ थे, चौधरी रणबीर सिंह के साथ कम विधायक थे, 14 ही विधायक थे। तो पार्टी को ये मैसेज दिया गया, लेकिन इंदिरा जी एडमेंट थी, वो इस बात पे थी कि नहीं ये सीनियर नेता हैं, अच्छी छवि है और चौधरी साहब को ही मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन बहुमत की दुहाई देकर, बहुमत की दुहाई देकर जो, और नंदा जी की जो कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा जी को मनाया गया और उनको इस बात के लिए तैयार किया गया, तो ऐन आखिर में जा कर के बंसी लाल जी को कमान सौंपी गई थी, जिनका कोई नाम नहीं था, जिनको कोई जानता नहीं था, ना भगवत दयाल बने, इंदिरा जी को तो पता साहब बने और उनकी जगह चौधरी बंसी लाल बीच में आ गए। ये बात 1968 की बिल्कुल जी बिल्कुल। अब वही चीज 2005 में थी, इंदिरा जी की जगह सोनिया जी थी, भगवत दयाल जी की जगह भजन लाल जी थे, रणबीर सिंह की जगह उनके पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन इस बार सोनिया जी ने वो बात कबूल नहीं की। उस जमाने में बहुमत की दुहाई दी, उन्होंने उस बात को माना, लेकिन सोनिया जी ने इस बात को नहीं कबूल किया, और हाईकमान कहूँगा मैं तो, सोनिया जी भी क्यों कहूँ, तो हाईकमान ने अपना फैसला किया है, तो ये तो कई बार ऐसा होता है। और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुड्डा साहब के साथ थे, हुड्डा साहब खुद भी MP थे, हाँ, तो इस वजह से वो उनका चयन, और ये नज़दीक भी थे। चौधरी रणबीर सिंह का परिवार जो है नेहरू परिवार के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा है,
बहुत लंबी बात है बताऊंगा तो, लेकिन नेहरू जी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध, इंदिरा जी भी उनको चाचा जी कहती थी और उनकी बड़ी कदर करती थी, बहुत प्रकार संबंध रहे, बहुत कदर करती थी और उनका फायदा भूपेंद्र हुड्डा जी। हालांकि कांग्रेस के लोग कुछ ये भी कहते हैं कि एक टाइम वो आया जब रणबीर सिंह हुड्डा परिवार ने इंदिरा जी को छोड़ दिया। एक वक्त ऐसा था, छोड़ा नहीं कह सकते, चरण सिंह के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, रणबीर सिंह के। एक बार वो, अच्छा वो उनका फार्म भी यूपी में था, जो चरण सिंह भी यूपी से मंत्री रहे तो, और दोनों पहले कांग्रेस में थे तो दोनों के अच्छे, बहुत पुराने, मैं तो कहूँ 1937 से दोनों के वो संबंध बनने शुरू। लेकिन इसके बावजूद 1937 से, इसके बावजूद भी 2005 में उस पुराने रिश्तों को भी सोनिया जी ने भी माना और समझा और वो, लेकिन वो एक बार हवाई जहाज में वो जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ वो रोहतक गए थे और उनके साथ मिलना जुलना था, लोगों ने यही कयास लगाए कि भाई ये शायद उधर हो। दूसरा ये था एपिसोड जो आपने कहा ना, वो छोड़ने वाली बात, वो कांग्रेस प्रधान थे चरणदीप सिंह 1977 में, हरियाणा के जी, पहले उनसे पहले राव निहाल सिंह थे। जब 1977 में डिबेकल हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई और इमरजेंसी के बाद जो चुनाव आया उसके बाद जो रणबीर सिंह कांग्रेस के प्रधान बने, बाद में कांग्रेस का विभाजन हुआ, रेड्डी कांग्रेस और वो आपकी कांग्रेस अर्स, तो इंदिरा जी कांग्रेस अर्स जो थे, देवराज अर्स मुख्यमंत्री थे कर्नाटक से, तो उनके उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली, अलग पार्टी वो निकल गए थे इंदिरा जी, तो कांग्रेस आई के नाम से फिर वो हुई थी, तो वो प्रधान थे उस वक्त चरणबीर सिंह हुड्डा साहब जी, चरणबीर सिंह हुड्डा जी, हाँ बड़े हुड्डा साहब जी, तो उनको नहीं कहते थे, वो चरणबीर सिंह ही था नाम जी, हाँ वो हुड्डा लिखते नहीं थे ना, उन्होंने कभी नहीं कहा ना उनको किसी लोगों ने पुकारा, बच्चों साहब के नाम से ही उनको जाना जाता है रणबीर सिंह जी के, तो वो कांग्रेस प्रधान थे तो वो वही कायम रहे, वो निकल करके इधर नहीं आए थे। फिर जब इंदिरा कांग्रेस बनी तो नहीं, उस वक्त फिर जो है कांग्रेस वो तो वही रहे कायम, तो इंदिरा कांग्रेस के, कांग्रेस अर्स के जो प्रेसिडेंट बने स्टेट के, वो चाहे सुल्तान सिंह बने जो उनके ही चेले थे, तो लोगों ने ये बड़ा, उस वक्त ये बात हुई कि गुरु और चेला देखो दोनों अलग अलग पार्टी प्रेसिडेंट हैं, तो वो उस वक्त रहे, फिर उसके बाद वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली चोई साहब ने राजनीति से, फिर उनके पुत्र जो है भूपेंद्र हुड्डा जी है राजनीति में आए, पहले ब्लॉक समिति का मेंबर हुए, विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर पार्लियामेंट का जब चुनाव लड़ा कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे ये स्टेट यूनिट के, तो कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने पार्टी की मुखालफत की या पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ा, नहीं। अंतिम सवाल पे आते हैं, 1968 जी विधायकों का बहुमत नहीं था तो जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए चौधरी रणबीर सिंह जी, 2005 जी विधायकों का बहुमत था जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए चौधरी भजनलाल जी, सांसदों का बहुमत भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास था बिल्कुल। अब 2024 जी 5 सांसद हैं कांग्रेस के जी, 5 में से 4 दिखाई देते हैं हुड्डा साहब की तरफ जी, विधानसभा चुनाव में विधायकों की चलेगी या सांसदों की विधानसभा चुनाव के बाद? मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव के बाद विधायकों की चलेगी इस बार जी, ये विधायक फैसला करेंगे तो हरियाणा के, मेरा अपना है कि विधायकों की राय ली जाएगी, वैसे तो फैसला विधायक ही करते हैं, विधायक दल का ही नेता चुना जाता है, राय ली जाएगी और बहुत कुछ देखना होता है, और उसके मतलब ये कह दें कि बहुत कुछ देखना है अभी तो कि क्या होगा रिजल्ट, बिल्कुल तो रिजल्ट क्या होगा 2024 का, रिजल्ट क्या कांग्रेस की फेवर में होगा जी? अगर वो कांग्रेस की फेवर में होगा तो फिर क्या विधायक दल के पास में पूरी ताकत होगी या फिर उसमें कोई इंटरफेयर होंगे, सांसदों की चलेगी या विधायकों की चलेगी, बहुत कुछ देखना है, जो अंतिम सुरजेवाला जी ने कहा कि बहुत कुछ देखना है, तो अभी शुरुआत है, ये 2024 का जो विधानसभा चुनाव होना है इसकी अभी शुरुआत है, और शुरुआत आप मान करके चलें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सितंबर के वही पहला सप्ताह या अगस्त के अंतिम सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद में सब कुछ चुनावी रंग में रंगना शुरू हो जाएगा, क्या होगा कैसा होगा नज़र हम भी रखेंगे और प्रयास करेंगे आपको बताते रहें, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।